भी बनी ना कुछ बात। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब बढ़िया चंगा, संडे कैसा गया? अच्छा गया। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बड़े समय बाद बहुत ही एक्साइट होकर उठा हूँ मैं, बिकॉज आज हम लोग को जाना है करजत पोर्श लेके। अब हम लोग कौन? पोर्श ने मुझे कॉल किया था, उसने बोला निखिल हम लोग करजत जा रहे हैं, चलेगा? मैंने बोला देखता हूँ, और टाइम था अपने पास, मैंने क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे। तो पोर्श लेके मैं जाऊँगा पहले काउको या कोको इन BKC पैंड्रा। राइट नाउ 6:15, मुझे पहुँचना है 7:30 को। चाइनीज डजंट वांट टू कम फॉर द ड्राइव, शी इज लाइक तू जा आराम से इंजॉय कर। तो हैप्पी भाई का पहले प्लान था, लेकिन फॉर्चुनेटली उनका आज रेस्टोरेंट का ओपनिंग है, तो वो आज पूरे दिन सुबह से बिजी है। मैंने बोला भाई हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, उन्होंने नहीं निकल पाया, मैं सुबह से बिजी रहूँगा तो जाके आ। और उसी वक्त मुझे रशीद भाई का मैसेज आया, वो कब से बोल रहे संडे को कुछ शूट करते हैं। तो मैंने रशीद भाई देखो अभी मैं जा रहा हूँ करजत, आप आओगे क्या कल रात को? तो बोले चलो शूट करना, चलो करजत चलते हैं। मैंने बोला बहुत बड़ी बात है, पोर्श लेके जा रहे हैं। तो उनको मैंने डायरेक्टली BKC बोला, बिकॉज उनके लिए ईजी पड़ता है। चल ओके, इन्जॉय इन्जॉय यू एन्जॉय हम गोना बी इन्जॉइंग फॉर श्योर। रियली विश तू आती, बट कोई नहीं, चल भाई। अनफॉर्चुनेटली नो वायरलेस एप्पल कारप्ले, बट मुझे वायरलेस एप्पल कारप्ले वैसे भी इतना पसंद नहीं है, तो अपन ने केबल कनेक्ट कर दिया है। अभी अपन लोकेशन डाल देंगे। अभी मेरा मैप बोलता है कि मुझे पवई से पीछे घाटकोपर का जो रास्ता है वो लेके जाना चाहिए, देन हाईवे। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली चले गया था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं मैं बाहर से जाऊँगा। वो जो जगह है हाईवे के जस्ट पहले, एक बहुत ही बकवास वाला स्पीड ब्रेकर आता है, और वो बहुत ही बकवास है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स वहाँ फंसती हैं, इनफैक्ट अगर आपकी सेडान है वो भी लगती है। सो आई डोंट वांट टेक दिस कार ओवर देयर, मेरा एक दो मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। ये छोटी मोटी चीज़ ये सब गाड़ियों में सोचनी पड़ती है। और यहीं पर बटन है, थोड़ा भी स्पीड ब्रेकर आता है, देखो अभी स्पीड ब्रेकर आया, नहीं लगा। आई कांट बिलीव कि मेरे पास एक इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स कार है, हाईवे है, और मैं भगा नहीं रहा हूँ। मुझे मन नहीं कर रहा भगाने का, आई एम जस्ट इंजॉयिंग द ड्राइव। ट्रैफिक है थोड़ी बहुत, मैं चाहूँ तो जूम जूम निकाल लूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू एंजॉय यार। वाओ, टाइम एक्चुअली प्लेज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मैं पहुंच गया हूँ, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, इसको अनलॉक कैसे करते हैं? बोलो कैसे रशीद भाई? एकदम बढ़िया, थोड़ा लो सीटिंग है। कहाँ से जाने का? यहाँ से। अरे फुल रंग बिरंगा आज, जो डाल दू क्या? सुबह सुबह मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ये वाले मॉल में, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वी आर टेकिंग द न्यू फ्लाईओवर, थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट आज लंबे को किसकी परवाह, सबको गाड़ी भगानी है। एंड देखो यहाँ पर पूरी EVs है, और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पर सब खड़े हैं। मेरे हिसाब से आराम से अभी 20 Porsche तो यहाँ पर खड़ी होंगी। ऊपर जो काउकाओ या कोको रेस्टोरेंट है वहाँ पर चाय कॉफ़ी है। आई डोंट फील लाइक गोइंग, बट जाता हूँ यहाँ PR हो जाएगा। रशीद भाई ने इधर गिम्बल भी सेटअप कर दिया है। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे Porsche के कलर हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो ये ग्रीन वाला अच्छा लगा, ये ब्लू एंड देन ये वाला। मैं कैमरा गाड़ी में रख रहा था, रशीद भाई बोले लेके जाते हैं, और अभी यहाँ देखो एंट्री करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा। बोला छोड़ो यार गाड़ी में रख के आ जाता हूँ मैं, ये भी तो वही कर सकता है जो ये कर सकता है, बट ये थोड़ा बेटर करता है। तो ये कैमरा मुझे गाड़ी में रखना पड़ेगा, मैं उसको बोल रहा हूँ अगर नहीं अलाउड है, नहीं मैं सर परमिशन लेता हूँ। अरे मैंने परमिशन किस बात का, मेरा पर्सनल कैमरा है। फिर तो उसका मेन हेड है, बोले सर कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने अबे तो बोल रहा था तो फ़ोन पे ही बोल देता अलाउड नहीं है। तो ये कोको वही कॉफ़ी शॉप है जो मैं और शानी जाते हैं, कभी नाम ठीक से पढ़ा ही नहीं, और बस यहाँ बैठा हूँ, कुछ खा नहीं रहा। बहुत सारे क्रोज़ा हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट आई एम जस्ट गोना हैव ब्लैक कॉफ़ी एंड देन आई एम गोना लीव। लगा था कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ सूखने से भूख लग गई। एक वेज पफ ये लिया है, लेकिन मीटिंग में मैं ब्लैक कॉफ़ी आई तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। रशीद मैंने भी मस्त, लेकिन मैं एक्साइटेड हो, अब चलाओगे गाड़ी वहाँ चलाना? हाँ। कॉफ़ी के बाद अभी पार्किंग लॉट थोड़ा भर गया है, और अभी कैसे हो भाई? भाई को मिले थे ऑडी के शोरूम में, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका कैमरा कैसे अलाउ किया? मैं सेटिंग करा देगा, बढ़िया सेटिंग है, इस कंट्री में कुछ नहीं होता। और रशीद भाई ने इधर गिम्बल उठा दिया मेरा वाला, बोलते हैं मेरे को दो मैं करता हूँ। हाँ मेरा दोस्त है। अच्छा कैसे हो भाई? अरे नहीं नहीं यार, सब निकलना शुरू हो गए हैं, 8:30 हो गए, बट नॉट बैड। लेकिन अभी फ्लैग ऑफ होना भी बचा हुआ है, तो हम सब गाड़ी ऊपर लेके जाएंगे, फ्लैग ऑफ होगा एंड तब निकलेंगे। जीत भाई बता गाड़ी को अप्रूव कैसे करता हूँ मैं? जब कैमरा इधर आता है तो ये व्लॉग अप्रूवल, ये देखो ना ऐसे भी करने का, ऐसा भी करने का, बैठ के बात कर सकते हैं।
तो मॉल से अभी तक बाहर निकलते निकलते 15 मिनट हो गए, पूरी प्रॉपर पोर्शे ट्रैफिक है, फ्लैग ऑफ शायद यहाँ पर आगे होगा, और मैं और रशीद भाई बस बैठ के इंजॉय कर रहे हैं हम लोग कॉफी के साथ हमारे इधर, एंड एंजॉयिंग द ट्रैफिक, पोर्शे ट्रैफिक, थोड़ा और नज़दीक बोलते और नज़दीक लो, जस्ट फॉलोइंग द जर्मन स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन करने का। अगर इस गाड़ी में सनरूफ होता ना तो मस्त खोल के बाहर तक शॉट लेते हैं, अभी कौन गाड़ी से उतरेगा, वैसे भी सब सेम गाड़ी है लाइन में खड़ी है, एक बार झंडा शायद हमको यहीं से फ्लैग ऑफ कर देंगे, बिकॉज लेट हो गया ना 8:45, 15 मिनट हम लोग मॉल के पार्किंग से निकलते यहाँ तक, और इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो वैसे जियो मॉल में टोल नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक वैसे भी देता कोई। अभी तो नॉर्मल मोड में हो, अभी खुला रास्ता, अभी मजा आ रही है, अभी तो फ्री वे भी नहीं पहुंचा हम लोग। अरे देखो रास्ता बीच रास्ते में चल रहा है भैया, अब तो 80 पे चल रहे हैं ये बाय द वे 250 किलोमीटर तक जा सकते हैं, सुना है मैंने, बट हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे लेके जा रहे हैं, हम इंजॉय करेंगे, क्या बोलते रशीद भाई? सही में आपको कैसा लग रहा है ऐसा पैसेंजर? मजा आ रही है। अभी हम आ गए फ्रीवे में, अभी सब गाड़ी वाले पंप हो गए, माय गॉड मैंने फर्स्ट टाइम 60 की स्पीड में टर्न लिया है। अरे भगाओ यार, सब भगा रहे हैं, बट ना साला ये स्पोर्ट्स कार में तो दिखा नहीं सकते बराबर से भाई साहब। फ्री वे में गाड़ी चलाने का, ये वाली गाड़ी चलाने का क्या मजा है यार, पोर्शे सब अच्छे से चला रहे, कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा है, एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग द रोड कंडीशन एंड एवरीथिंग। ये गाड़ी लेकिन कब साला हाई स्पीड पहुंचती है समझ में आता नहीं, आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट ब्रिज। और जस्ट ब्रिज चालू होने के पहले सारी गाड़ियां यहां पर रुक गई हैं, बिकॉज प्रॉब्ली एक ब्रीफिंग लगेगी, सबको एक शूट लेना है, फिर हम लोग आगे जाके ये 4.7 किलोमीटर में ब्रिज पर चढ़ जाएंगे। एंड वी आर रोलिंग। कितना किलोमीटर बाकी है अभी? अभी करजत के लिए नहीं, फिर नया ब्रिज के लिए, ये बस 4.2 किलोमीटर में ब्रिज चढ़ जाएंगे अपन। एंड फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोग यहाँ से ये ब्रिज लेंगे, अटल सेतु ब्रिज। अरे भाई साहब हमारे साथ है कि ऐसे ही? ये देखो भाई, ये हमारा कैमरामैन नहीं है, ये ऐसे ही लटक के फोटो निकालो। इमेजिन करो रशीद भाई, जब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनेगा तब ऐसा ही बनेगा, क्या लगेगा तभी, क्या ब्यूटीफुल लगेगा तभी, कांट वेट। ओहो हमारा कैमरामैन बाहर लटक के खींच रहे हैं एक पोर्श दूसरे पोर्श को। भाई साहब क्या रोड है, 100 तो फील ही नहीं हो रहा, क्या रोड है भाई, दूर दूर तक रोड दिख रहा है। निखिल भाई तो स्लो लग रहा है मुझे। अरे मैंने बीच में गलती से 140 लेके का फटक से स्लो किया, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी स्पीडिंग हियर, और कैमराज है नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता, बट आराम से ये गाड़ी जा सकती है, हर गाड़ी थोड़ी जा सकती है। क्या मजा आ रहा है भाई निखिल भाई, लेकिन ये मेरे को तो स्लो लग रही है इसमें अभी। हाँ ये गाड़ी है ना, अभी ये कॉम्प्यूटर तो बराबर फील होती है। और टोल एक्चुअल में अभी बंद है, वाह सही है, टोल दिया ही नहीं अपन ने तो। नहीं जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, 20 मिनट भी नहीं लगा, मतलब हम तो गाड़ी थोड़ा भगा रहे थे, बट वाह क्या, मतलब कितना टाइम बचेगा, थोड़ा 200 रुपए देने में शुरू लोगों की जान पे आएगी, लेकिन भाई साहब आप तो टाइम बचाओगे ना। लेकिन मैं अभी समझ में आया यहाँ पर बाइक्स अलाउड क्यों नहीं है, बिकॉज लोग है ना बहुत अब्यूज करेंगे बाइक को बहुत ज्यादा। अभी भी देखो ना वो पूरा छत खोल के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो रिस्की बाइक पे, लेकिन ऐसा अलाउ करना चाहिए, आप टॉप टू बॉटम गियर में हो, अपने स्पेशल पास लिया है तो अलाउ करेंगे, वहाँ वो बोलेंगे ऐसा करने का ना, सब झोल से लेंगे वो पास। और हमने एग्जिट कर दिया है ये, अभी यहाँ पर जाएंगे, पता भी नहीं चला। अच्छा जब तक फ्री है आप एंजॉय कर लो, अब ये वीडियो रिलीज होने के बाद पहले दिन देख रहे हो, जब तक फ्री है अगर आपको देखना है कैसा है तो आप आ सकते हो, वरना तो अब तो यूज करने वाले हो सब लोग फ्यूचर में। और देखते देखते समझ में नहीं आया हम लोग पहुंच भी गए कर जाते हैं भाई सॉल्ट। क्या मजा आई भाई साहब, क्या गाड़ी चल रही थी एकदम वॉम 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 वॉम। हम लोग अपनी गाड़ियां अच्छे से पार्क कर रहे हैं, अपन ने भी कर दी, बट बड़ा ब्यूटिफुल ड्राइव मैन, मजा आ गया यार, दिस इज फन। और सब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अच्छे से गाड़ी निकली, वो एयर सस्पेंशन दबा देने का गाड़ी राइज होती है, इनकेस अगर लगे तो वो भी नहीं लगे, वो भी नहीं लगी, लगे ज्यादा आराम से निकल, सब आराम से निकला। मैंने जानबूझ के 2 पार्किंग छोड़ के लगाई ताकि गेट से बाहर निकल सकूँ और अपना शूट भी कर सकूँ। इस बार डोर उड़ रहा है, अपना पंछी निकालू क्या? निकालो ना।
कलर थे, उन्होंने सब कलर की गाड़ियाँ यहाँ पर ला के खड़ी कर दी है। तो इन केस किसी को परचेज करना है, उसको पता है मुझे ये कलर पसंद आएगा, वो कलर पसंद आएगा। लेकिन देखो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इतने भीड़ में ना ये कलर दिखता नहीं। ग्रीन एंड रेड रियली फ्लैशेस अ लॉट, लेकिन जब स्टैंड अलोन गाड़ी रहती है ना, देन दिस कलर इज लाइक। सिर्फ ये गाड़ियों में नहीं, अगर आपको रैप वैप करना है तो आप ऐसे कलर पिक करके अपनी दूसरी गाड़ी में भी रैप कर सकते हो, बट ये रेड ग्रीन एंड दिस कलर आई रियली 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 लव इट। गाड़ी चला चला के भूख लग गई, और अच्छा है मैं रशीद भाई को लेके आया। रशीद भाई ने का कमाल की फोटो निकाली है, वीडियो भी निकाली है। नहीं यार, सिंबल निकाला। वो कैमरा का डेमो दे देंगे ना, रशीद भाई एक्सपर्ट हो गए एकदम सॉलिड वाले। रशीद भाई पार्ट टाइम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें पैसा है आजकल। तो अभी टाइकन ब्रेकफास्ट राइड है, तो हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, भूख लगी है ना। जरूर चलते चलते फोन में देख रहा था, नज़र ऊपर पड़ी ही नहीं, कितना अच्छा डेकोरेशन किया है यार। नाश्ता हो गया, रशीद भाई स्केटबोर्ड के बारे में पूछ रहे थे, और अभी यहाँ पर यहाँ रुको और खाओ, चिट चैट करो या फिर निकल जाओ। मेरा एक्चुअली शैनिस को लगा यहाँ पर स्टे करने का प्लान था, बट एज आई सेड हैप्पी वे का रेस्टोरेंट खुल रहा है तो आज जाना पड़ेगा। और मैं और रशीद भाई अभी निकल रहे हैं, और फिर बस बात करते करते जाएंगे। बीच में रुकाना होगा तो रुक जाएंगे। एक टाइम पर बैठ गए रशीद भाई, गर्मी चालू हो गई है, 33 हो गई भाई साहब, 33 डिग्री टेम्परेचर। जल्दी निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, और अब गाड़ी को भी ठंडा कर देते हैं थोड़ा, वरना अपना कॉफ़ी नहीं पिया अपन ने, गाड़ी चलाने के चक्कर में कॉफ़ी पीना ही भूल गए। मैंने पी लिया। और यहाँ पर 2 सेकंड के लिए हम लोग रुके हैं, बिकॉज आज थोड़ा अलाउ कर रहे हैं रुकने के लिए, वो साइड पर तो कुछ ज़्यादा ही लोग रुके हुए हैं। एंड आज फ्री करके बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही है, एंड ये देखो कुछ ऐसा व्यू दिखता है beautiful। ये देखो भाई, लोगों ने आज जेट शो देखने के लिए रास्ते में इधर ही गाड़ी रोक डाली। ये एग्जिट है, लेकिन सब लोगों ने गाड़ी रोक के रखी। अरे भाई, जिसको जाना है उसको तो जाने दो, जाने दो। आज भगवान चाहता ही नहीं हम कहीं पर भी टाइम पे पहुंचे, ना रशीद भाई ना मैं। जब ये ब्रिज एग्जिट किया तो ये मालगाड़ी आ गई। अभी मालगाड़ी कितनी बड़ी होगी नहीं पता। रेलगाड़ी चुक 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 चुक। और ये देखो अभी भी ऑपोजिट साइड पे कितना ट्रैफिक है। आई डोंट थिंक दे गोना बी रीचिंग देयर एनीवेयर बिफोर इवनिंग, क्योंकि लोगों ने लिटरली गाड़ी खड़ी कर दी है अपने बीच रास्ते पे। कांग्रेचुलेशंस हैप्पी भाई, थैंक यू, फाइनली खुल गया। सीधा ड्राइव करके घर में गया, थोड़ा आराम किया, और फिर पहले हैप्पी को मिलना है। अरे टी-शर्ट भी टाइगर यार, क्या चल रहा है। इसके लिए आपने ड्राइव मिस किया आज, बहुत मजा आया। और सब लोग टाइगर याकी के सामने मस्त खाया अंदर, अच्छा बाहर अभी फोटो सेशन चल रहा है। चश्मा देखो, यस। मुझे लगा था कि मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी चलाना थोड़ा हेडेक होगा, लेकिन संडे था करके हेडेक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लोगों को बड़ा चर्बी रहती है, बस नजदीक आके ओवरटेक करना है। मासी घर जा रही है, कैसा कर रही है। निकिता भी थी हमारे साथ, हम लोग हैप्पी भाई को मिले, और अभी निकिता को ड्रॉप कर दिया है, वो जा रही है। छोटी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, और ये गाड़ी की बैटरी बड़ी है, और अभी ये 36% पे है, और ये 100% होगी कल सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे। बेटा, अरे बेटा क्या कर रही है। I know you like this car. I know you love this car, but we cannot drive now. Done. We are tired. We have to go home. Yes. Yeah, wow. I know. इसको ले रहे। देखा वो कितनी smart है, उसको बराबर से पता है कौन सी चीज के लिए वापस। अरे बेटा, you have to go now. Okay, देख रही gear lever की तरह। चलो, मैं जा रहा हूँ। तू चला क्या जाना? Bye. Bye.